हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। वार्ड नंबर 17 यानी भलसवा, भलसवा गांव और भलसवा डेयरी का एक ऐसा इलाका जो कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा ये कि यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं कूड़े का पहाड़, ये कूड़े का पहाड़ से जितना इस इलाके के लोग परेशान हैं उतने ही दिल्ली के पहचान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चूँकि ये दिल्ली और हरियाणा का जो पंजाब जाने का जो मेन हाईवे है उस हाईवे से लगा हुआ ये इलाका है जो लैंडस्लाइड एरिया है और लैंडस्लाइड एरिया पे कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। कूड़े का पहाड़ कौन ख़त्म करेगा? दोनों पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि कूड़े का पहाड़ ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ की हालत आप देख सकते हो, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से कितनी गंदी बदबू आ रही है आपको, इसकी वजह से यहाँ के बच्चे कितने बीमार हो रहे हैं ये बात सिर्फ हम जानते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लोकल रहते हैं। यहाँ पे पानी की हमें समस्या है, ठीक है, बदबू इतनी आती है यहाँ पे, कूड़े के पहाड़ पे रात भर कूड़ा जलता है, उसकी वजह से कितने बच्चे यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, आग लगती है, कितना नुकसान होता है, कितना प्रदूषण होता है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ हम जानते हैं। आपका एरिया कूड़े के पहाड़ के ढेर के नाम से जाने जाने लगा है। मैं तो भाई साहब फिर सच्चाई खोल लूँगा सबकी, आम आदमी पार्टी पे नारों का कूड़ा भी कांग्रेस के ज़माने में पड़ा हुआ है। अजय सिंह विधायक हैं जो आज तक 7 साल हो गए, लेकिन नाला भी साफ नहीं हुआ होगा आज, और ये रोड और नाले धरना प्रदर्शन करके तो ये बड़ी मुश्किल से बनवाए थे, अब कह रहे हैं ये रोड टूटेगा फिर जो है इसको नाले को साफ करेंगे। काम करके कोई सी पार्टी न बीजेपी और न कांग्रेस और ना कोई काम करके राजी नहीं है। लेकिन चुनाव चल रहा, अब तो वादे दोनों तरफ से हो रहे हैं, सभी पार्टी वादे करते हैं सभी, लेकिन काम कोई करके राजी नहीं है। अरे रोहित शेट्टी, पास्ता को लगाओ इटालियन तड़का, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी टेस्टी। देखिए नाली, देखिए कितना सफाई हो रहा है जी, सामने देखिए नाली कितना, नाली में पूरा कूड़ा भरा है ना, आज तक कोई इसमें आज तक सफाई भी देख लीजिए कितना साफ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो फिर इस बार चुनाव है तो वादों की झड़ी लगी हुई है। वादे तो अपना करेंगे, सब करेंगे, लेकिन काम करने के नाम पर यहाँ पानी गंदा आता है, एकदम पानी ऐसा आता है कि पानी छूने लायक भी नहीं है जी। क्या रहेंगे इस बार मुद्दे आपके इलेक्शन में? इलेक्शन के अंदर साफ और सफाई के मुद्दे रहेंगे और भ्रष्टाचार के मुद्दे होंगे। हमारे यहाँ सेमय, गांजा, दारू जो सबसे ज़्यादा बिक रही है इसके मुद्दे रहेंगे, और गंदगी जो है, नाले जो चार चार पाँच पाँच साल से नहीं हुए हैं उसके मुद्दे रहेंगे। सर किसी को ही वोट कर देंगे जो जीतेगा, काम तो पहले, जीतने के बाद तो चेहरा ही नहीं दिखाई। कौन सा ऐसा काम है जो होना है आपके इलाके में? एक तो नाली, एक तो सीवर कनेक्ट नहीं हो जाए, सीवर कनेक्ट नहीं हो रहे, सीवर पहले ही भर गए हैं, सीवर सक्सेस कब होंगे? बड़े बड़े नाले जो हैं वो साफ सफाई नहीं है, सक्सेस हो रहे एमसीडी के, ये सीवर जो बने हैं आपके, सीवर तो पहले ही चालू कर लिए अपने, पब्लिक ने खुद ही कनेक्ट कर रखे हैं, उसके अंदर ही मटेरियल जा रहा है, तो आगे से मतलब क्लियर कैसे होगा? ये नाली तो पहले ही ब्लॉक हो गई है। देखिए इस चुनाव के बेसिक मुद्दे ये हैं कि साफ सफाई, यहाँ से पार्षद थे हमारे भाजपा के, नालियों की सफाई नहीं हुई है, सड़कों पे झाड़ू नहीं लगी हैं, नालियाँ बिल्कुल जो की तो भरी हुई हैं। दूसरा मुद्दा है इस विधानसभा के अंदर कूड़े का पहाड़, भलसवा लैंडफिल को हटाना है, क्योंकि यहाँ इस कूड़े के पहाड़ की वजह से तरह तरह की बीमारियाँ लोगों को होती हैं। पिछले 2-3 महीने पहले अभी यहाँ पे आग लगी थी बड़ी भयंकर, पूरे एरिया में धुंध का गुहार था, चारों तरफ धुआं ही धुआं। तो इस मुद्दे, इस इलेक्शन में मेन मुद्दा है सफाई, जो सफाई के मुद्दे लेके आएगा हम उसको वोट करेंगे इस बार। क्या है चुनाव में मुद्दे आप लोगों के, क्या रहेंगे? मेन मुद्दा हमारे चुनाव का है ये कूड़े का पहाड़, जिससे दिल्ली बहुत परेशान है, ये नाले नाली की समस्या, ये धूल गंदे, ये कूड़ा कचरा, बीजेपी और कांग्रेस वालों ने पूरे कचरा ही कचरा बना रखा है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की साफ सफाई, और एमसीडी स्कूलों की तो ऐसी हालत है कि वहाँ पर बच्चों को ये नहीं देखा जाता, बैठने का उनका जगह भी ऐसा है कि जहाँ वो बैठने पे बच्चे मजबूर हैं पर बैठ नहीं पाते, ऐसे स्कूल को अब हालत कर रखी है। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदान करें? ये कूड़े का पहाड़ है सबसे बड़ा मुद्दा। आप लोग इस इलाके में रहती हैं, कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जिसका इस बार समाधान चाहती है, और किस तरह का आप लोग इस इलाके का पार्षद चुनना चाहते हैं? हम चाहते हैं ये खत्ता हट जाए, नालियाँ हैं, सारी नालियाँ गंदी रहती हैं, कितनी बिल्कुल साफ नहीं होती, इन चीज़ों से बच्चे भी हमारे काफ़ी बीमार रहते हैं। अभी कल परसों मेरे यहाँ पे लोग, मेरे यार दोस्त बोल रहे थे कि भाई मेरी शादी वाली लड़की वाले आए थे, ये कूड़े का पहाड़ देख के शादी कैंसिल कर दी, ये इतना बुरा माहौल है यहाँ पर। आते हैं लोग, कहते हैं
भाई लड़का भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, लेकिन एक इलाका बड़ा गंदा है, यहाँ बदबू आती है, हमारी लड़की कैसे रहेगी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में दिल्ली के तीन कूड़े के पहाड़ यानी लैंडस्लाइड एक बड़ा मुद्दा है। और इस वक्त मैं भलसवा डेहरी इलाके में हूँ और यहाँ पर ये जो कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ से इस इलाके के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस इलाके के लोगों की मांग है कि ये कूड़े का पहाड़ यहाँ से हटना चाहिए ताकि लोगों का जीवन सामान्य हो सके। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ की अन्य समस्याओं की, तो यहाँ पर नालियों की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। ये ऐसे तमाम बड़े मुद्दे होंगे जो इस इलाके के उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। कैमरा पर्सन अजय नेगी के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।